वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज असीं जा रहे हाँ बाबा नामदेव जी के गुरुद्वारा साहिब दर्शन करन। सानू सारा दिखावांगे उन्हां दा इतिहास की है, कितने कितने असीं जाने हैं और कोशिश की है कि हर जिथे असीं स्टे करिए हर प्लेस सानू जिहड़े दिखा सके हर गुरुद्वारा साहिब दिखा सके। सो जुड़े रहिओ ब्लॉग दे नाल। यह जिहड़ी तुसीं नहर देख रहे हो यह उस गोदावरी का ही पार्ट है जिसके दर्शन असीं तुहानूं तख्त साहिब वाले ब्लॉग के विच करवाए सी। सो अज असीं सब तो पहला जा रहे हैं भगत नामदेव जी के उस मंदिर जिथे हुण तक 24 घंटे रबाब वजदी आ। उस तो बाद असीं चलांगे भगत नामदेव जी के जन्म स्थान ते सब तो लास्ट असीं उस मंदिर जावांगे जिसनूं भगत नामदेव जी ने घुमाया सीगा। जिवें तुसीं इत्थे देख रहे हो इत्थे कमाद की खेती की हुई है तो इधर दे एरिए दे विच ज़्यादातर कमाद हल्दी अते केले की खेती ज़्यादा हुंदी है। तो इत्थे इस स्टेट दे विच तुहानूं केले भी बहुत सस्ते मिलणगे। और ये नरसी पिंड नूं जाण वाला सब तो पहला टोल रोड आ। जिवें तुसीं देख रहे हो सामने पहाड़ वगैरह भी दिख रहे ने तो कह सकते हैं कि इत्थे काफ़ी एरिया इदां दा भी आ जिहड़ा हले अनकल्टीवेटड आ, क्योंकि इत्थे ज़्यादातर जमीन जिहड़ी असीं देखी आ वह पथरीली आ, पत्थर बहुत ने जमीन दे विच। शायद यही रीज़न आ कि यह कुछ एरिया जिहड़ा तुसीं देख रहे हो ये अनकल्टीवेटड आ। सो हुण असीं पहुँच गए हाँ भगत नामदेव जी के मंदिर है। सामने देखो कितनियां सोहणियां लग रही ने डक्स और पानी पी रही ने। सो मैनू तो बहुत वधिया लगिया तो इसलिए मैं कैप्चर कर ली हाँ कि ताकि तुहाडे नाल भी शेयर कर सकां। तो बहुत सोहणियां लग रही ने डक्स। और सामने यह तुसी देख रहे हो भगत नामदेव जी का तप स्थान है। ये मंदिर जड़ा है ये पिंड नरसी दे बिल्कुल बार बार है। कहते हैं कि अंगोली जिला महाराष्ट्र स्टेट च पैंदा है ते लगभग 110 किलोमीटर की दूरी ते नदेड़ तख्त साहिब तो लगभग 2 तो 2.5 घंटे लगते हैं इतों तक आने के लिए। रोड काफ़ी साफ आ तो सो तुहानू इन्नी प्रॉब्लम नहीं आऊगी अगर तुसी इधर दर्शन करना आउंदे हो। ये मंदिर की बाहरली लुक आ, बहुत सोहना मंदिर बनया हुआ है। तो ये सारे मंदिर जिन्ने तुसी दर्शन करोगे भगत नामदेव जी के नाल संबंधित ने। भगत नामदेव जी नूं कीर्तन करन दा बहुत शौक सी ते वो रबाब वजाया करदे सी अक्सर कीर्तन करन दे लई। इसलिए इस मंदिर विच 24 घंटे उही रबाब वजदी आ। तां जिवें तुसी जाणदे असी संगत नाल आए सी तां संगत अंदर दर्शन करन जा रही है ते ईवन अंदर तां कीर्तन भी चल रहा है। जिहड़े मंदिर जां गुरुद्वारा साहिब जांदे ने संगत उत्थे बैठ के कीर्तन करदी है परमात्मा दा नाम जपदी है तां तुहानूं उह वी अंदर चल के दर्शन करवाउंदी आ। ये भगत नामदेव जी की रबाब आ जिसकी सेवा 24 घंटे चलती रहती है। जदों भी तुसी इत्थे आओगे तो उन्हें इसकी सेवा होंदी ही दिखेगी। सो हुण दर्शन करते हैं सारे मंदिर दे कि किवें दा आ। बहुत सोहना मंदिर बनया है। सामने एक मूरत बनी हुई आ। उस तो हुण असी इस मंदिर तो बाद जा रहे हैं भगत नामदेव जी के जन्म स्थान ते। यह भगत नामदेव जी का जन्म स्थान आ, सामने बोर्ड भी लगा हुआ। तो यह असी हुण आ गए नरसी पिंड दे विच जिला हंगोली दे विच। और ये जो उन्हां दा जन्म स्थान है ये बिल्कुल पिंड दे विचकार है। जिवें मंदिर असी गए सी वो पिंड दे बार बार सीगा। यह सामने जिहड़ा तुसी देख रहे 800 साल पुरानी बिल्डिंग आ जिहड़ी भगत नामदेव जी दे जद्दी घर के नाम से जानी जाती है। तो इस दे उपर बिल्डिंग नवी तैयार भी हुई है पर हले भी ये बिल्डिंग उस तरह इमारत सांभ के रखी हुई है। तो संगत इत्थे दर्शन कर आउंदी अंदर भी दर्शन करते बिल्कुल छोटे छोटे 2 दरवाजे लगे ने। तो इत्थे सारी संगत दर्शन दे लई आई हुई है। सो तुहानू दर्शन असी करवाने इस घर के अंदर जाके भी।
सामने जिहड़ियां तस्वीरां लगियां होईयां इह भगत नामदेव जी दे नाल संबंधित सारियां तस्वीरां लगियां होईयां ने, तुहानूं कोल जाके भी दर्शन करवाउंदे आ। तां जिन्नियां भी तस्वीरां ने सामने, पहली तस्वीर च देख रहे हो तुसीं कि हाथी जिहड़ा है वह नमस्कार कर रहा है भगत नामदेव जी नूं। तां जिन्नियां भी उहनां दे लाइफ दे नाल संबंधित तस्वीरां ने सामने लगियां होईयां ने, तां जिवें तुहानूं दस्सिया सी कि इस नूं दो दरवाजे ने इह घर नूं, और झुक के ही अंदर जाना पैंदा है, तां झुक के ही बाहर निकलना पैंदा है। इस नूं अंदर जाण दे लई इह सामने दरवाजा है छोटा जिहा, जिहदे विच झुक के अंदर जाना पैंदा है। अंदर सामने गुरु नानक पातशाह जी की तस्वीर लगी हुई है, तो बिल्कुल नाल भगत नामदेव जी की तस्वीर लगी हुई है। उपर चंदोआ साहब भी सजाया हुआ है, तो इत्थे दर्शन कर दूरों दूरों संगत आउंदियां ने भगत नामदेव जी के जद्दी घर के दर्शन कर। तो इस तो बाहर निकल दे लई भी यह छोटा जिहा ही दरवाजा है, तो इत्थों भी झुक के निकलना पैंदा है। तो यह बाहर तो इदां दा लगता एक खिड़की की तरह लगता है, तो सारी संगत झुक के ही अंदर जाती है, तो झुक के ही बाहर इतों निकलती है। तो यह हले भी बिल्कुल उस तरह संभाल के रखी हुई इमारत आ। यह गुरद्वारा साहब भगत नामदेव जी के घर तो 5-7 मिनट की दूरी पर आ। एक कार सेवा वाले ने तैयार करवाया, तुसीं देख सकते हो, और वधिया बनया होया गुरद्वारा साहब, तुसीं इसे स्टे कर सकते हो। और सामने देख पा रहे हो लंगर हाल, उत्थे लंगर वर्त रहा। तो इतने अगर तुसीं इधर आना हो तो इतने रुक के प्रशादा पानी छक सकते हो। चलो चलते अंदर मत्था टेकन। फ्रंट लुक इवें हले इधरली साइड तैयार हो रहा है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। और इधर उन्नी देर तक आई थिंक प्रकाश आ। सो चलो अंदर चलते, अंदर कीर्तन चल रहा है। जिते तुसी पहला दर्शन किए भगत नामदेव जी का जद्दी घर सीगा, तो यह गुरद्वारा जन्म स्थान भगत नामदेव जी की याद के तैयार किया गया। अंदर कीर्तन चल रहा, सो चलो अंदर असं दर्शन कर। गुरुद्वारा साहिब तो बाहर निकल के खब्बे पासे लंगर हाल है, जिथे तुसी प्रशादा छक सकते हो। हुण असी पहुँच गए हैं औंधा नागनाथ मंदिर। तो यह लगभग 63 किलोमीटर जड़ा दूर हैगा है तख्त सचखंड श्री हजूर साहब तो। तो भारत दे विच टोटल इवें दे 12 मंदिर ने जिहड़े शिवजी दे नाल संबंधित ने, तो उन्हां चों ये मंदिर 8वें स्थान पर आ। जिवें तुसी देख रहे हो ये मंदिर अद्धा चिट्टा तो अद्धा काला है, जिहड़ा उपर वाला हिस्सा आ मुगल काल के समय औरंगजेब ने उपरला पार्ट जिहड़ा सीगा इहदा वो ढा दिता सीगा, तो यह दोबारा तो रीबिल्ड होया। नीचे वाले पाग ते हले भी उवें ही मूर्तियां बनियां होईयां ने। इधर तुसी जिधर देख रहे हो इधर चढ़दे वाले इस मंदिर का मुख हुंदा सीगा। तो कहिंदे ने कि भगत नामदेव जी एक रात कीर्तन करते करते इस मंदिर के आ गए सी, तो इतों के पंडितों ने उन्होंने धक्के मार के बाहर कढ दिता सीगा, क्योंकि उन्होंने नीवी जात दे बोलिया जाता सी। तां उदों भगत नामदेव जी लहिंदे पासे वल बैठ के कीर्तन करन लग पे, तां उदों अपने आप इस मंदिर का मुख जिहड़ा सी चढ़दे वालों लहिंदे वल हो गया सी। ਇਹ ਮੰਦਰ ਲਗਭਗ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 12 ਮੰਦਰ ਨੇ ਸ਼ਿਵਜੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 11 ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਆ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਇਹੀ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ, 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹੀ ਜਿੰਨਾ ਮੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰੀਕਨਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦਾ ਹੈ। ਆ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖੇਗਾ।
तो इधरली साइड भगत नाम जी जी की चक्की आ, दर्शन कर रहे हैं। मंदिर कैसे घुमाया, चक्की कैसे चलाई है, इससे दूर से आने के बाद भाग दौड़ में 5 मिनट लेंगे आपके। शांतिलाल थोड़ा इतिहास सुनो, ये चक्की संत रामदेव जी की है, 1100 साल पुरानी है। रामदेव जी को इतने आकर 750 साल हो गए। पुराने समय की बात है, आटा निकालने के लिए बिजली नहीं थी और ना ही कोई मशीन थी। तब इतने जो संत थे, साधु थे, वो चक्की नो बैल लगाया करते थे। चक्की नो बैल लगाना, उसमें से आटा निकाल के लंगर दा प्रसाद पाना। नामदेव बाबा इतने गुरु धारण करने आए थे, सादे और सिंपल रूप में आए थे। किसी को पता नहीं चला ये महापुरुष भगत नामदेव बाबा है। ये दीवार के पीछे जो आपने मंदिर देखा है वो 5500 साल पुराना मंदिर है, मंदिर पांडवा ने बनाया है। सो ये जिहड़ी तुसी चक्की देख रहे हो ये भगत नामदेव जी की चक्की आ, दर्शन तुसी कर सकते हो। सो ये साडा अज का व्लॉग, तो एवें दे व्लॉग देखने दे लई तुसी साडा चैनल सबसक्राइब कर सकते हो। सत श्री अकाल, बाय बाय।